हाय गाइज, वेलकम टू बिंटू शूट्स। मेरा नाम है राहुल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप Redmi Note 5 Pro में 4K वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि Redmi Note 5 Pro में फिलहाल 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं है, जबकि Redmi Note 5 में यह सपोर्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो Xiaomi से कई लोगों ने इस बात की कंप्लेंट भी करी है, क्योंकि चिपसेट 4K वीडियो रिकॉर्डिंग बड़े आराम से सपोर्ट करता है Redmi Note 5 Pro का। तो आने वाली फ्यूचर अपडेट्स में 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट ऑन कर दिया जाएगा Note 5 Pro में भी, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि अभी से हम अपडेट का वेट ना करें और 4K ऑन कर लें। तो दोस्तों, बहुत आसान सी इसकी एक ट्रिक है। आपको ओपन कैमरा ऐप इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से। उसमें आप सेटिंग्स में जाके 4K वीडियो ऑन कर दीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। और उसके बाद सरप्राइजिंगली जो हमारी नेटिव MIUI की कैमरा ऐप है, उसमें भी वीडियो ऑप्शंस में आपको 4K का ऑप्शन दिखने लगेगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को मैं अब आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ कि क्या आपको स्टेप्स करने हैं एग्जैक्टली। अब डेमो के लिए मैं नोट 5 प्रो नहीं यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं MI का ही MI 5 यूज़ करूँगा। बट जो स्टेप्स आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो एग्जैक्टली आपको नोट 5 प्रो में फॉलो करने हैं। तो आइए अब हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं क्या स्टेप्स हैं। सो गाइज, अब हम स्टेप्स देख लेते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखिए, ये MI का ही फ़ोन है, ये MI 5 है, बट मैं आपको स्टेप्स दिखा रहा हूँ इसी पे। तो देखिए, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में आपको ये ओपन कैमरा ऐप चाहिए होगी। ये आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि ये कोई फेक ऐप नहीं है, इसमें कोई बेकार के एड्स भी नहीं है, कोई फालतू की आपसे एक्स्ट्रा परमिशन भी नहीं मांगती, एकदम फ्री, एड फ्री, और शायद सबसे बढ़िया कैमरा ऐप्स में से एक है ये। प्ले स्टोर पर आप देख सकते हैं 10 मिनट डाउनलोड। तो आप ओपन कैमरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद आप क्लिक करिए ओपन पे। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स का आइकन फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ नीचे गेयर का आइकन है, यही है सेटिंग्स। आप इस पर जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप देखिए वीडियो सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसमें आप जाइए। वीडियो सेटिंग में जाने के बाद सबसे ऊपर आप देखेंगे वीडियो रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, तो वीडियो रेजोल्यूशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। और इसमें आपको तरह तरह के रेजोल्यूशन देखने को मिलेंगे। आप एकदम ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे हाईएस्ट 4K अल्ट्रा HD, ये है आपका 4K का ऑप्शन। तो नोट 5 प्रो में आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा 4K ऑन करने के लिए। तो देखिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए अब हाईएस्ट 4K सेलेक्टेड है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आप चाहें तो ओपन कैमरा ऐप में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और वो आपकी 4K में रिकॉर्ड होने लगेगी। इसके अलावा अगर फिर आप अपनी जो नेटिव MIUI की कैमरा ऐप है वो भी खोल के देखेंगे और वीडियो सेलेक्ट करिए, और फिर आप अगर सेटिंग्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे वीडियो क्वालिटी में आपको 4K का ऑप्शन नज़र आने लगेगा। तो फिर यहाँ पर भी आप 4K सेलेक्ट कर पाएंगे Note 5 Pro में। तो दोस्तों, ये स्टेप्स आप फॉलो करके ओपन कैमरा ऐप की मदद से 4K ऑन कर सकते हैं Note 5 Pro में। अगर आपको स्टेप्स एकदम क्लियर हो गए हैं, दी गई जानकारी पसंद आई है, तो ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में अपडेट करिएगा कि अगर आपका 4K ऑन हो गया है। और दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ऑप्शंस आपको अभी अपने स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे और चैनल के और भी बहुत सारे वीडियोस हैं Redmi Note 5 Pro रिलेटेड, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आप इंजॉय कर सकते हैं अभी आपके स्क्रीन पे। तो थैंक यू दोस्तों, आपसे मिलता हूँ जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर।